नमस्ते, मेरा नाम उमेश है। उमेश टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि ग्रामीण संघ विकास के रिगार्डिंग जो है एक नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर और भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिसके रिगार्डिंग जो है ग्रामीण विकास संघ के रिगार्डिंग निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सारा चीज इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे और आपको जो है 100% सही जानकारी देंगे, जिससे जो है आपको 100% सही जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होता है कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि आखिर वैकेंसी सही है कि नहीं है, उसके बाद ही हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम सारा जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं कि जो भी यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आपके पास आया हुआ है और इस तरह का जो है नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, तो क्या वाकई में वैकेंसी निकाली गई है, तो सही है कि नहीं है, सारा चीज जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो है कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मतलब आपको मिल रहा होगा देखने के लिए। देख सकते हैं कि ग्रामीण विकास संघ के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है, जिसका वेबसाइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें कौन कौन सा पद रखा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट और आपदा प्रबंधक सहायक का जो है वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए यहाँ पे योग्यता भी मांगा गया है और तकनीकी योग्यता भी यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ बताया गया है कि 100 अंकों का आपका टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ दिया गया है, जिसमें आपसे 100 रुपये का जो है पेमेंट यहाँ पे मांगा गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको जो है फिलअप कर चुके होंगे, वो भी वीडियो देखेंगे, और जो लोग अभी फिलअप करने के बारे में सोच रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि उनको जो है हम 100% सही जानकारी देंगे, जिनसे जो है उनको 100% सही पता लगेगा कि ये वैकेंसी सही है कि नहीं है, इसमें आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो मतलब जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है ये कहाँ से निकल के आया हुआ है। तो उसके लिए चलते हैं हम ये वाला साइट पे, यहाँ पे साइट मेंशन किया गया है, इस साइट पे हम चलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि जो भी साइट वहाँ पे मेंशन किया गया है उस साइट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही वाला साइट यहाँ पे दिया गया है, उस साइट पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन का जो है वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर असिस्टेंस डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट और पंचायत असिस्टेंस डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है 30 मई तक रखा गया है, यानी कि 30 मई से पहले जो है आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो है साइट यहाँ पे पूरी तरह से फर्जी है, और ये जो है नोटिफिकेशन पूरी तरह से फर्जी निकाला गया है, इसमें किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं है, केवल आपका पैसा लूटने का यहाँ पे काम किया गया है। कैसे आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले जैसे ही साइट को हमने ओपन किया तो मुझे जो है बिहार सरकार का जो ऑफिशियल साइट है उसके बारे में यहाँ पे ख्याल आया, ये तो है बिहार विकास का वेबसाइट की तरह लग रहा है। तो मैंने जो है बिहार विकास का जो वेबसाइट है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। देख सकते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग का जो है वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है रियल वेबसाइट है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि rdd.bih.nic.in, और इसको देख सकते हैं कि rda कर दिया गया है और .org और .in कर दिया गया है, ठीक है। और देख सकते हैं कि सेम इस वेबसाइट का जो है यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है, आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो सेम इसका कॉपी किया गया है, ठीक है। जो ओरिजिनल वेबसाइट है यहाँ पे किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं निकाली गई है, साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट को ओपन किया था लेकिन इस वेबसाइट पे मेरा नज़र पड़ा तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ये तो इसका नकली वेबसाइट है, ठीक है। जो सरकार का वेबसाइट होता है यहाँ पे देख सकते हैं कि rdd.bih.nic.in यहाँ पे रहेगा, जो कि ऑफिशियल डोमेन होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है rda.org.in जो है इसका फेक डोमेन है, और हुब और सेम टू सेम इसका वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको हम बता दें कि किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं निकाली गई है, एक केवल 100 रुपये जो है लूटने के लिए आपके लिए साइट बनाया गया है। यहाँ पे आप आवेदन करेंगे, 100 रुपये का पेमेंट करेंगे और आपको किसी भी तरह का जॉब नहीं दिया जाएगा और आप जो है फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो वैकेंसी निकाली जाती है आपको हबड़ा के आवेदन नहीं करना है। सबसे पहले आपको जानकारी ले लेना है कि क्या वाकई में सही है कि नहीं है। मेरे ख्याल से वेबसाइट 100% नकली वेबसाइट है, यहाँ पे आपका पैसा लूटा जाएगा और आपसे कुछ नहीं करवाया जाएगा और ना ही आपको काम दिया जाएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला है, जहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह का नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में नहीं बताया गया है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, इसका कोई मतलब नहीं है फालतू में टाइम बर्बाद करने का। तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है नकली वेबसाइट था, यहाँ से आपका पैसा लूटने का काम
किया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रामीण विकास विभाग है उसका 2 copy वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया था और वहाँ पे जो है लिंक जारी कर दिया गया था कि यहाँ पे जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एनालिस्ट के लिए और भी बहुत सारे पद यहाँ पे दिए गए थे। तो आपको हम बता दें कि इस तरह की फेक वैकेंसी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और ना ही यहाँ पे आवेदन करना है। आपको हम बताए थे कि अभी जो है लॉकडाउन का जमाना है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन के काम के चक्कर में या फिर इस तरह के वेबसाइट बनाकर लोगों से जो है आवेदन ले रहे हैं और उनका जो भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट होता है वो पैसे जो है उनका हड़प ले रहे हैं और इस तरह से जो है फ्रॉड हो रहा है। तो आपको हम बता दें कि किसी भी तरह की वैकेंसी निकाली जाती है तो पहले अप्लाई करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर ले लें। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि क्या वाकई में वैकेंसी सही है कि नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो वैकेंसी आती है वो मतलब केवल पैसे लूटने का काम किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछली बार भी कुछ लोग ऐसे किए हुए थे जिससे मतलब केवल पैसे ही लूटने का काम किया जाता है। तो आपको इस तरह की वैकेंसी के चक्कर में नहीं पड़ना है और ना ही इसको कहीं आपको शेयर करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।